नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव का ऐलान किया गया है। सबसे पहले बस्तर में 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में कुल तीन चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को केवल बस्तर में 1 सीट पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 3 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण यानी कि 7 मई को जो चरण होना है, तीसरा चरण, इसमें कुल 7 सीटों पर वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कही है, और यही वजह है कि बस्तर में सबसे पहले चरण में वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 से 11 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी। छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है। हम बात करेंगे किस तरह से तैयारी है पूरे लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब 8 काल 12 महीना होता है। चुनाव के समय पढ़ने वाले, परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांध कर काम करेंगे, 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटों पर जीत तय होगी। जिस तरह से महतारी बंधन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है, क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी? भैया, ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था, लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई, कोई चौराहे पर चौक रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा। जो सरकार तो लगातार दावे किए जा रहे हैं। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने भी अपनी जीत का दावा किया और कहा कि इस बार दुर्ग इतिहास बनाएगा, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत कर दिया और कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां, प्रदेश की कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा कमेटी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं। मुद्दों को लेकर मुद्दे हमने चिन्हांकित कर लिए हैं और जनता के बीच में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और आइए, इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे कर लेते हैं चर्चा। अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी, स्वागत है आपका। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट सबसे पहले है, वो बस्तर की, जिस पर अभी तक आपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी है, कैसे होगा मुकाबला? ये प्रत्याशी भी हमारा 18 तारीख को घोषित हो जाएगा और तैयारी हमारी पूरी है। दीपक बैज जी वहां वर्तमान में सांसद हैं और लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो अगर प्रत्याशी दीपक बैज होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे कोई भी आते हैं तो कोई परेशानी का विषय नहीं है, क्योंकि दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद के रूप में भी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनकी बस्तर में सक्रियता पूरे समय बनी रहती। और चुनाव आयोग ने तो आज डिक्लेयर किया, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस की तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार लोकसभा की प्रारंभ हो गई थी, और आपने देखा कि हमने 6 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं और बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और हमारे पास बहुत मुद्दे हैं जिसमें हम केंद्र सरकार को घेरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 में से 9 प्रत्याशी बदल दिए, 9 सांसदों में से 7 सांसद बदल दिए। आखिर क्या कारण थे कि आपने वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं दिया? जो वो जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो जनता के बीच में जा रहे थे, तो ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो इससे भारतीय जनता पार्टी खुद वाकिफ है।
बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में रेलवे जोन को लेकर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के जो 9 के 9 सांसद थे एक भी काम केंद्र सरकार से लेकर नहीं आए, उन मुद्दों पे बात होगी। तो बात में कहीं भी या मुद्दों में कहीं भी हम कसर नहीं है। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से 11 सीटों पे लड़ेगी, और ये जिस तरह से 11 जिलों की घमंड की बात कर रहा है ना, जनता इनको दिखाएगी कि जनता का फैसला क्या होता है। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी बहुत हो गई, 10 साल से केवल जुमलों की सरकार चल रही है। ठीक, छत्तीसगढ़ के लिए एक भी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इसमें 3 महीने की सरकार की जो स्थिति है, जिस तरह से नक्सलियों का बोलबाला हो गया, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, छात्रावासों में छात्राएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास वापस चर्चा पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश मौर्य भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, ग्राउंड पर चलते हैं और जानते हैं कि लोगों के बीच, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, लोग क्या मान रहे हैं, इस बार कौन आने वाला है, उनके मुद्दे क्या हैं। सीधे चलते हैं, उमेश बात कीजिए लोगों से। जी पुरी जी, देखिए जो है घोषणा तो कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है चुनाव की तारीखों का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिलासपुर लोकसभा सीट में अभी तक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। तो जनता में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर ये बात है कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं की गए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, अभी युवाओं का जो बेरोजगारी है देश में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। कहीं ना कहीं तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार जिसकी भी बने, पर युवाओं का जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार का प्रबंध कराया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे मतदान करेंगे? अभी तो दो चीज का बहुत ही लोगों में चर्चा है, एक तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, और दूसरा जो चुनाव आयुक्त और की जो घोषणा हुई है रातों रात 3 सदस्य बना के, जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही है, 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नामित व्यक्ति और एक विपक्ष, इसमें बहुमत नहीं होता, इसमें राय शुमारी होती है, और इसमें राय शुमारी की नहीं गई और विपक्ष को कोई महत्व नहीं दिया गया, रातों रात दोनों की नियुक्ति करके शपथ भी दिला दी गई। ये मुद्दे क्या होंगे आप इस बार वोट के मतदान के, आप क्या मुद्दे को लेकर? मुद्दे तो तीन ही मुद्दे पे तो चुनाव लड़ा जा रहा है पूरे देश में। पहले बार देश में धार्मिकता का उन्माद है, जो कुछ समय के लिए ये भारत के लिए राजनीति और विश्व की राजनीति और हम सब के लिए अच्छा नहीं है। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट मतदान करेंगे? सर मुद्दा तो ये है कि जैसे बेरोजगारों का आज रोजगार जिस तरीके से अभी महिलाओं लोगों को वंदना योजना में लोगों को दिया गया, उसी तरीके से बेरोजगार जो लड़के लड़कियां हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो भी सरकार आता है उनको रोजगार देना चाहिए, यही मुद्दा होगा। अभी तक के कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो फिर कौन चेहरा किसको वोट करेंगे ऐसे में आप सामंजस्य किस? अब राहुल गांधी और खड़गे जी इस मुद्दे पे अभी तक का उन लोग मीटिंग चल रही है, भगवान मालिक है कि इनके प्रत्याशी घोषित करने के लिए इनके पास समय ही नहीं है, अब ऐन वक्त में प्रत्याशी खड़ा करेंगे। बड़ी जागरूक जनता है, बहुत बारीकी से में दिया गया, बहुत बारीकी से ये बिलासपुर की जनता जो है वो बहुत बारीकी से राजनीति को समझती है, और ये भी जान रही है कि प्रत्याशी घोषित नहीं किए, ये भी जान रही है कि नियुक्ति जो हुई है उस पर क्या मुद्दा है। बड़ी जागरूक जनता है, अच्छी बात है, जनता को इतना जागरूक होना भी चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी सबसे पहले मैं आपके पास इस मुद्दे को लेकर आ रहा हूं कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की भी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की भी, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में, कैसे देख रहे हैं सर इसको? निश्चित रूप से 3 चरणों में जो है वो बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि नक्सलवादी क्षेत्र जो है बस्तर, वो एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे फोर्स का एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट किया जाता है, एक साथ सारी फोर्स उस वक्त वहां होती है। बस्तर क्षेत्र के दोनों चुनाव जो है वो पूरे होते हैं, कांकेर और बस्तर, तो उस दृष्टिकोण से जो है 3 चरण बिल्कुल सही निर्णय है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि भाई अभी जनता कह रही थी जो चीज, बेरोजगारी का मुद्दा, बॉन्ड का मुद्दा, किसी की घोषणा, मतलब ये बातें जनता के बीच है, इस बात को देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जनता आजकल ज्यादा सोचती नहीं है, वो 15 दिन हर बात भूल जाती है,
और भावनात्मक रूप से जो है वो वोटिंग करने चली जाती है। भावनाओं के जोर में इस वक्त में है भारतीय जनता पार्टी, जो राम मंदिर भावना को जागृत रखना चाहती है और निश्चित रूप से इस भावनात्मक स्थिति बना करके जो है राम मंदिर प्रमुखता से रखनी चाहती है। और दूसरा जो है राष्ट्रवाद की बात जो है, अमित शाह ने आपने अगर सुना हो तो एक छोटे से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अखंड भारत की कल्पना जो है वो हम लोगों के बीच में है। ये एक राष्ट्रवाद जगाने का मुद्दा कोशिश, और निगेटिव में आप सोचेंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो है वो कैसे विपक्ष को लेता है, क्योंकि पैसा तो उनको भी मिला है, पैसा दूसरी पार्टियों को भी मिला है, लेकिन ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये साबित करने का प्रयास कि कोविशील्ड जैसी इसको मोनोपोली दी गई थी इंसुलिन के इसके इसके लिए टीके के लिए, उसने 52 करोड़ रुपए दूसरे महीने में दिया। इस तरह की प्रश्नवाचक चिन्ह वाले जो है मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो विपक्ष इसको किस तरह से लेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है विपक्ष तो लेकिन ये कह रहा है कि देखिए हम पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाएंगे, केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, राहुल टिकरिया जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत राहुल जी। और सबसे पहले मैं आप ही के पास इसलिए आ रहा हूं अभी क्योंकि कुछ देर पहले हमारी बात हुई, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां पर जब उन्होंने लोगों से बात की तो लोग ये कह रहे हैं कि रातों रात इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति हो जाती है, ये एक मुद्दा है। लोगों ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड एक मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी देश भर में धार्मिकता का उन्माद है, ये सारी बातें उन्होंने कही। और साथ ही साथ बेरोजगारी, युवाओं की तरफ से कहा गया बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जो रोजगार देगा हम उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे। क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत बनी। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम चल रहा है, चाहे किसानों को करीब 13,500 करोड़ भेजने का मामला हो, चाहे महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश भर की 70 लाख मातृशक्तियों को 1,000 रुपए प्रति माह देने का मामला हो, और ये सिर्फ हमने योजना प्रारंभ नहीं किया, हमने किसानों और महतारी वंदन योजना के तहत मातृशक्तियों के खाते में पैसे पहुंचाने का काम मोदी जी की गारंटी के तहत किया। आप देखिए पहले कैबिनेट में मुहर लगती है कि पूर्व की सरकार में जितने भी प्रधानमंत्री आवास रोके गए उसके साथ में कुल मिलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पर मुहर लगता है, गरीबों के लिए एक बड़ा और महत्व। एक मिनट राहुल जी मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, ये तो प्रदेश के मुद्दों की बात तो देश के चुनाव की हो रही है ना, प्रदेश में तो सरकार बन गई आपकी, अब तो देश में सरकार का चुनाव किन मुद्दों पर किन बातों पर हो उसकी बात हम कर रहे हैं सर। देखिए पूरा देश चाहता है पुनः नरेंद्र मोदी, ये कल्पना नहीं ये यथार्थ है। मोदी जी सभाओं में एक भाषण करते हैं कि अब की बार तो जनता से आवाज आती है 400 पार, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी के प्रति और जिस प्रकार से मां भारती का कद और शक्ति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। पहुंच गई आपकी बात। अभय नारायण जी राहुल जी की बात भी आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे उन पर आप, आपकी टिप्पणी? पार्टी को सत्ता का घमंड भरा हुआ है और जिस तरह नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर गई, अब भाजपा की गारंटी नहीं आती, अब तो नरेंद्र मोदी की गारंटी आती है। तो वो तो बीजेपी के हैं, हम तो ये तो हम दो और हमारे दो की पार्टी हो गई है ना, उस पार्टी में जो असंतोष है, उस पार्टी में जो पीठ के पीछे पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है चुनाव में दिखेगा असंतोष। जिस तरह वो तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं लेकिन देश का कोई सांसद दूसरी बार उनको नहीं चाहिए, उसकी टिकट काट दी जाएगी, 11 की टिकट कटेगी, 7 की टिकट कटेगी। हाँ तो आप जब कह रहे हैं कि असंतोष, अभय जी जब ये कहते हैं कि बीजेपी के भीतर असंतोष है, उसी दौरान अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहा होगा। देखिए ये एक ऐसा दौर है जिसको बीजेपी का दामन थामना नहीं कहा जाएगा, ये बीजेपी की हताशा है, वो अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे के विचारधारा के लोगों को शामिल कर रही है। अजीत पवार शामिल हो रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया शामिल हो रहे हैं, कौन लोग हैं ये लोग? अशोक राव चौहान शामिल हो रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थकते नहीं थे, जिनके कांग्रेसी होने पे आपको बहुत तकलीफ होती थी, उनको आप गमछा पे दादे पवित्र कर देते हैं। अभी आपने बिलासपुर की बात सुनी,
आपने खुद सराहा कि दर्शक हर बात को देख रहा है, दर्शक देख रहा है कि कैसे लोगों को आप पार्टी में प्रवेश दे रहे हैं, दर्शक ये भी देख रहा है कि चुनाव आयोग का आयुक्त तो इस्तीफा देता है, फिर एक हफ्ते के अंदर दो चुनाव आयुक्त कर लेते हैं नियम विरुद्ध, और चुनाव आयुक्त नियुक्त होते चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, दो दिन के अंदर सारी तैयारी पूरी कर लेता है। वो दोनों चुनाव आयुक्त की पृष्ठभूमि क्या है, कौन लोग है, कहाँ से आए, जनता बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखी हुई है, जनता बेरोजगारी से तंग है युवा हमारे। आज छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, 10 लाख लोगों का इनको समर्थन मिला था, 10 लाख बेरोजगार, पीएससी में घोटाला, इन्होंने जांच कर दी कि उसकी सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई के जांच से नौकरी नहीं मिलेगी, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, आप वो बात करिए, ठीक है, 2 दिन में महंगाई कम करने की। हाँ, राहुल जी के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे, ये आप जो सवाल उठा रहे हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से ग्राउंड पर जाने की बारी आ गई है, और अब हम चलेंगे, पहले हम उमेश के पास गए थे बिलासपुर, अब चलेंगे राजनांदगांव। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, राकेश सीधे लोगों से बात करिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, उनके बीच वोटिंग करने के वक्त मुद्दे क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, किस बात को लेकर वोट डालने वाले हैं? जी पंडित जी, जी बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे आप, और राजनांदगांव में लोकसभा सीट है उसके लिए ऐलान हो गया है। अभी हमारे पास 2 प्रत्याशी है, भाजपा से संतोष पांडे जी और हमारे उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो रहे बघेल जी। मुद्दे तो वैसे बहुत सारे हैं, आज तक 1947 के बाद जितनी भी सरकारें आई सब गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए किए, और इसके साथ साथ जो नीचे तबके उनके लिए भी किए गए, श्रमजीवी के लिए, लेकिन मध्यम वर्गी और शिक्षित लोगों के लिए, जो शिक्षित बेरोजगार है, मेरा मानना ये है कि आज जो शिक्षित बेरोजगार वो यूं ही घूमते जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल तो किसी भी किसी पार्टी में या अपने दिनचर्या को यूं ही दबा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार, एक आम जन की आवाज है ये कि इस मुद्दे को मिडिल क्लास जो है, जो रोजगार भी तलाश रहा है, जो महंगाई से भी परेशान है, और पूरे समाज का सारा बोझ उसी के ऊपर टिका हुआ है, राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसकी चिंता कौन करेगा मिडिल क्लास की? बिल्कुल, मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग की चिंता की जा रही है, चाहे निचला वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे ऊपरी वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से अछूता हो। भारत की शक्ति किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हैं कि कोई वर्ग नहीं है जो अछूता हो। सीधे फिर से राजनांदगांव चलते हैं राकेश के पास। राकेश, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास या कोई लोअर क्लास, कोई ऐसा क्लास नहीं जो अछूता हो, लोगों का मानना है क्या, ये जानिए उनसे। जी जी जी, बीजेपी कह रही है कि मिडिल क्लास और सभी के लिए इनके पास विकास कार्य हैं, मुद्दे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ना विकास कार्य हैं ना मुद्दे हैं, बीजेपी की सरकार इस 10 साल में फेलियर रही है, ये जनता देख रही है, ये सब देख रहे हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का आपके सामने आ ही चुका है, ये लोग किस तरह से चंदे का धंधा जो किया जा रहा था इनके द्वारा, वो सब आपके सामने है। कंपनियों से चंदा लो, बड़े बड़े ठेकेदारों से चंदा लो, उनको कॉन्ट्रैक्ट दो, यहां पूछ लेते हैं राकेश से ही, पूछ लेते हैं राकेश, राकेश इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, अभी हम बात कर रहे थे बिलासपुर से, वहां पर भी यही बात सामने आई, और अभी आप बात कर रहे हैं राजनांदगांव से, वहां पर भी, तो ये कहीं कांग्रेस के लोग ही तो नहीं है, या फिर आम जनमानस के बीच ये मुद्दे हैं, थोड़ा बताइए। जी जी जी, ये की योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, चाहे आप देखें, तो प्रधानमंत्री है, लेकिन दूसरी ओर जो जनता चाहती है, जनता का कहना है कि लोगों को रोजगार मिले और जो महंगाई है वो कमी आए, तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो मतदाता है, राजनांदगांव की मतदाता, वो ये सोचती है, और जो केंद्र में जो भी सरकार बने उसे यही अपील कर रही है कि बेरोजगारों के लिए सोचा जाए, रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और जो आर्थिक स्तर पर जो भारत की मजबूती है वो अच्छी हो, और साथ ही जो लगातार जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे। राहुल जी और महंगाई, राहुल जी सुनिए तो सही, राहुल जी ये कहना गलत है, ये कहना सही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ना हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य कोई कह रहा है, ये तो लोगों से बात हो रही है, लोगों की राय मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं, बाबूलाल जी ये दो तरफ से ये बातें आई,
ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मुद्दा और दूसरे मुद्दे, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा वाकई में एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर लोगों के बीच ये जाने वाला है, या फिर गारंटी डबल इंजन की सरकार और गारंटी पूरी होने की गारंटी ज्यादा बड़ा मुद्दा है? देखिए, जनता के बीच में ये बात स्पष्ट हो चुकी है राजनीति के क्षेत्र में कि शुचिता का प्रश्न यहाँ पर अब खत्म हो चुका है राजनीति में। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जो है लगभग कोई एक अछूता कोई अपवाद होगा तो नहीं कह सकता, लेकिन शुचिता का प्रश्न समाप्त हो चुका है। शुचिता की बात तो की जानी चाहिए ही नहीं। जैसे प्रेम और युद्ध में सब जायज है, वैसे ही अब राजनीति में भी सब कुछ जायज है। जो आप करते हैं वही सही है। धर्म पर हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है, धर्म को इसमें नहीं लेंगे, चुनाव के इसमें किसी नहीं करेंगे, उसके वोटिंग की पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन हो रही है। तो ये शुचिता वाली बात तो आप छोड़ दीजिए। नियम कानून सब एक तरफ रहते हैं, जो वोट को वोट पाने के लिए जो कुछ भी किया जाए ठीक है वो सही हो जाता है। ठीक, जनता जो कह रही है वो बात मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल सही चीज कह रही है। और ठीक है, एक एक व्यक्ति को आपने समझा कि वो कोई पार्टी का तो नहीं है करके, लेकिन ठीक है, निश्चित रूप से जनता जो करेगी वही सही आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता ही तय करेगी तारीख, और जनता के पाले में ही गेंद अब चली गई है। कोई कितनी भी बातें कर ले, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में जिन चीजों से वो दो चार रोजाना हो रही है, उन्हीं चीजों को लेकर वो वोटिंग करने वाली है, ये बात तो तय है। और इसलिए कहा जाता है कि जनता जो है वो जनार्दन होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।